नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। एक मशहूर गीत की पंक्तियां हैं चंदा मामा दूर के। जी हां, चंदा मामा अब अपने घर के हैं। चंद्रयान 3 का रोवर सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव में उतर चुका है। ये भारत की एक उपलब्धि है जिसके लिए देशवासियों को प्रधानमंत्री ने धन्यवाद भी कहा। अब आते हैं आज के मुद्दे पर। एक मशहूर हो चुकी कविता की कुछ लाइनें हैं। तुम्हारी अर्थियां उठे मगर ये ध्यान में रहे, मेरे लिए जो है सजी वो सेज ना खराब हो, ये बादशाह का हुक्म है। और एक हुक्म ये भी है, भले कोई मरे मेरी इमेज ना खराब हो, सुनो मेरे मंत्रियों सफेद पोश संतरियों, जहां मिले जमीन खाली रोप दो कपास, तुम कपास मिल में डालकर बुनो सफेद चादरें, गली गली में जाके फिर ढको हर एक लाश, तुम सवाल जो करे नरक में तब तलक रखो, कहे ना जब तलक मुझे कि आप लाजवाब हो, ये बादशाह का हुक्म है। जी हाँ, मोदी सर के ड्रीम प्रोजेक्ट के पिटारे में से एक है ट्रेन 18, जिसे मोदी सर ने आज तक नाम बदलकर वंदे भारत कर दिया था। इस सीरीज की सारी ट्रेनों को खुद मोदी सर ही हरी झंडी दिखाना अपना राष्ट्रीय कर्तव्य मानते हैं। शायद इसीलिए वंदे भारत अपने शुरुआती समय से सियासत और पत्थरों का शिकार भी होती रही है। ताजा मामला वंदे भारत को लेकर ये आया है कि तगड़ा किराया होने की वजह से इसको यात्री नहीं मिल पा रहे, जिसकी वजह से रेलवे को जबरदस्त घाटा उठाना पड़ रहा है। अब चूंकि ड्रीम प्रोजेक्ट वाला फरमान विश्वगुरु का है तो अफसर भी खुले में कुछ बोल नहीं पा रहे, लेकिन भीतर खाने इसको लेकर चर्चा गर्म है। और शायद यही वजह है कि रेलवे विभाग इससे निपटने के लिए आए दिन नई नई तरकीबें निकाल रहा है, बावजूद इसके हो कुछ ठोस नहीं पा रहा। आपको याद होगा कि बीते 7 जुलाई को अपने मोदी सर ने गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इसके बाद एनी रेलवे की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन 9 जुलाई से गोरखपुर से लखनऊ के बीच शुरू हुआ। ये ट्रेन नंबर 22549 गोरखपुर से लखनऊ वाया अयोध्या सुबह 6:05 पर गोरखपुर से चलकर 10:20 पर लखनऊ पहुंचती है। वापसी में 22550 लखनऊ गोरखपुर वंदे भारत शाम 7:15 लखनऊ जंक्शन से रवाना होती है। लेकिन महंगे फेयर ने वंदे भारत को लेकर एक अलग ही चर्चा का विषय बना दिया है। दरअसल गोरखपुर लखनऊ के बीच चलने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस रेलवे के लिए फिलहाल घाटे का सौदा साबित हो रही है। ज्यादा किराया होने की वजह से हाईटेक सुविधाओं से लैस इस ट्रेन को यात्री ही नहीं मिल पा रहे। शायद यही वजह है कि एसी चेयर कार में जहां औसतन रोजाना 300 सीटें खाली रह रही हैं, वह एजुकेटिव क्लास में भी औसतन 30 सीटें खाली जा रही हैं। ऐसे में इससे रोजाना रेलवे को औसतन 3.25 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। इस तरह से देखा जाए तो अब तक 41 दिन में 9 जुलाई से 23 अगस्त तक तकरीबन 1.26 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान रेलवे को हो चुका है, जिससे निपटने के लिए अब इसे प्रयागराज तक चलाने की तैयारी रेलवे कर रहा है। इसके साथ ही गोरखपुर से प्रयागराज के बीच स्टॉपेज भी बढ़ाने पर सरकारी टाइप का विचार किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को वंदे भारत में सफर करने का मौका मिल सके और मोदी सर के फरमान की इज्जत भी बची रहे और अफसरों की नौकरी भी। ऐसा भी नहीं है कि यह हाल सिर्फ गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ही है, बल्कि देश भर में चल रही छोटी दूरी वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सीटें भी पूरी तरह फुल नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में रेलवे बोर्ड की ओर से अब इस ट्रेन के किराए का रिव्यू किया जा रहा है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही वंदे भारत ट्रेन में 25% से लेकर 30% तक किराया कम हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि वंदे भारत ट्रेन की राम कहानी। जब इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर वंदे भारत एक्सप्रेस के एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास की सीटों की स्थिति चेक की गई तो 23 से 29 अगस्त तक काफी सीटें खाली मिली। 8 कोचों के 456 सीट वाली इस ट्रेन में 10 या 20 सीट ही नहीं बल्कि चेयर कार में 300 से ज्यादा और एग्जीक्यूटिव क्लास में भी रोजाना 30 से 40 सीटें खाली रह रही हैं। अब आइए अब जानते हैं कि क्यों वंदे भारत ट्रेन में नहीं मिल रहे हैं यात्री। वंदे भारत ट्रेन में सीटों के खाली रहने के पीछे की वजह बताई जा रही है कि गोरखपुर से लखनऊ तक चेयर कार का किराया जहां 890 रुपए है, वहीं एग्जीक्यूटिव क्लास में इसका किराया 1670 रुपए है। इस ट्रेन से भी गोरखपुर से लखनऊ तक 4.25 घंटे का वक्त लगता है, जबकि अन्य ट्रेनों से 5.25 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन बाकी ट्रेनों का किराया काफी कम है। हालांकि इस ट्रेन के उद्घाटन के पहले हफ्ते में इस ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की संख्या अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे सूरत बदलने लगी। महंगे किराए की वजह से यात्री वंदे भारत ट्रेन में सफर
चलने से अब कतरा रहे हैं। ट्रेन से सफर करने वाले यात्री गोरखपुर लखनऊ इंटरसिटी को ज्यादा बेहतर ट्रेन मान रहे हैं। हालांकि गोरखपुर से लखनऊ के बीच चलने वाली इंटरसिटी और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सुविधाओं में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन इन दोनों ट्रेनों की टाइमिंग एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से यात्री महंगे वंदे भारत में सफर करने से बच रहे हैं। दरअसल गोरखपुर से सुबह 6:15 बजे चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस के चेयर कार में किराया 475 रुपए है। ये ट्रेन लखनऊ पहुंचने में 5.25 घंटे का वक्त लेती है। वहीं इसके ठीक 15 मिनट बाद वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 6:05 पर चलती है। इस ट्रेन के चेयर कार का किराया 890 रुपए है और समय 4.25 घंटे लगते हैं। ऐसे में यात्री घंटे भर बचाने के लिए वंदे भारत ट्रेन के महंगे सफर की जगह इंटरसिटी से यात्रा करना बेहतर समझ रहे हैं, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन में गोरखपुर से लखनऊ तक 890 रुपए और लखनऊ से गोरखपुर वापसी का 1000 रुपए से ज्यादा चेयर कार का किराया है, जबकि एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 1670 रुपए है। इसके साथ ही कुछ और भी वजह है जिसके चलते वंदे भारत को कम पैसेंजर मिल रहे हैं। चूंकि सुबह 5:20 पर 15203 बरौनी लखनऊ रवाना होती है, सुबह 5:45 बजे इंटरसिटी रवाना होती है। इसी तरह राप्ती सागर सुपरफास्ट और बरौनी एर्नाकुलम राप्ती सागर सुपरफास्ट सुबह के समय रवाना होती है। सुबह के समय इन ट्रेनों के रवाना होने से वंदे भारत ट्रेन में सवारी कम होती है। अयोध्या होकर जाने की वजह से ट्रेन में यात्री कम रिजर्वेशन कराते हैं। किराया ज्यादा होने के कारण सिर्फ एलीट क्लास फैमिली ही चल रही है। स्टॉपेज की कमी भी एक अहम वजह है। अब आपको चलते चलते शेक्सपियर की एक मशहूर कहावत के साथ छोड़े जा रहे हैं कि ए फूल थिंग्स ही इज ए विश मैन बट ए विश मैन नो हिमसेल्फ टू बी ए फूल। इसका मतलब है कि एक मूर्ख अपने आप को बुद्धिमान समझता है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं को मूर्ख मानकर काम करता है। धन्यवाद।